हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड व्हाट अबाउट योर स्टडी? अच्छी जा रही होगी। बस आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलना है, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है और पिछले साल के क्वेश्चंस जरूर सोल्व करने हैं जो टॉपिक वाइज बोर्ड एग्जाम में आए हैं। और बाकी आप अगर इस सब्जेक्ट को समझ के करोगे तो देखना बड़ा ईजी है, इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है। तो आज हम ले रहे हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, 12 फिजिक्स, और आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। लेट अस स्टार्ट। पोटेंशियोमीटर नाम से ही पता चल रहा है कि एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, बट एक्यूरेटली। तो इट इज ए डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंसेस एक्यूरेटली। इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ्स ऑफ टू और मोर सेल्स एंड फॉर मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है और किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। कैसे, वो आज हम पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन, तो एज शोन इन फिगर सिंपल है। अगर हमने डायग्राम बनाया है तो वो एक कंस्ट्रक्शन है इसकी, लेकिन हमने इसको लिखना भी है आपको। तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको बोल के ही समझाऊंगा, आप बस को आपको समझना है इसको। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर ए बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो एक वायर ए बी होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूजुअली 4 to 10 meter लॉन्ग। यहाँ पे हमने 4 meter का वायर दिखाया है, ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगेनिन। और ये वायर जो होता है ये एलॉय का होता है, कॉन्स्टेंटन और मैंगेनिन का। यूजुअली 1 meter लॉन्ग सेपरेट पीसीज ऑफ वायर आर फिक्स्ड ऑन ए वुडन बोर्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो एक्चुअल में हम 4 meter का एक वायर, अगर एक डिवाइस 4 meter के सिंपल से स्ट्रेट वायर से हम बनाएं तो हमारा डिवाइस 4 meter से ज़्यादा लेंथ का हो जाएगा, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमने 4 meter का वायर हमने क्या किया, 1 meter के पीसीज में डिवाइड कर लिया और यहाँ पे बोर्ड में एक दूसरे के पैरेलल उन्हें अटैच कर दिया। बोर्ड पे जरूर पैरेलल हैं लेकिन अपने आपस में ये सारे पीसीज ए से बी के बीच में जो 4 pieces हैं ये सीरीज में कनेक्टेड है। जैसे ए से शुरू हुआ वायर और यहाँ इस पॉइंट तक गया मान लीजिए, और ये 1 meter का वायर हो गया। अब इसको कॉपर स्ट्रिप से एंड्स पे दूसरे वायर से कनेक्ट करते हैं और ये दूसरा मीटर जो आपका वायर का पार्ट है ये यहाँ हो गया इन 2 points के बीच में। फिर आपने कॉपर स्ट्रिप से कनेक्ट कर दिया इसको, यहाँ दोनों पीसीज को, और ये आपका तीसरा वायर हो गया और ये आपका 4th wire भी इसी तरह से कॉपर स्ट्रिप्स के हेल्प से चारों वायर एक दूसरे के सीरीज में फिजिक्स के हिसाब से कनेक्ट कर दिए। तो आपने यहाँ पे कॉपर की थिक स्ट्रिप ली है जो एंड्स पे वायर्स को कनेक्ट करने के काम आ रही है। तो आपको 4 meter लंबा वायर नहीं लेना पड़ा, आपका डिवाइस 1 meter के 4 wire से बना है और सारे वायर को हमने कनेक्टेड किया है एंड्स पे कॉपर स्ट्रिप से। तो यहाँ पे जो ये वायर है ये कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो कॉपर स्ट्रिप हमने एंड्स पे इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि कॉपर स्ट्रिप, थिक कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस वेरी लो होगा इन कंपैरिजन ऑफ दिस वायर, तो उस रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल ले सकते हैं। तो वायर का सिर्फ ए से बी के बीच में जो 4 meter का वायर है उसी का रेजिस्टेंस यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। क्लियर है? तो ये ए बी वायर हो गया और ये फिगर ए आप में दिखा रखा है। इसके बाद है द एंड्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ए बैटरी विद ए रियोस्टेट आर एच। तो एंड ए और बी के बीच में एक बैटरी लगाई हमने, एक की लगाई और एक रियोस्टेट लगाया, तो ये हमारा सर्किट पोटेंशियोमीटर का कंप्लीट हो गया। और ये जो फिगर बी दी हुई है ये भी इक्विवेलेंट सर्किट है। यहाँ पे बस वो जो 4 meter का वायर लैब में एक्चुअल में 4 meter का इस तरह से कनेक्ट करेंगे 1 meter के पीस लेके, यहाँ पे हमने ए और बी के बीच में पूरा वायर ही दिखा दिया। ऊपर वाला सर्किट ही है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। और यही ए और बी के बीच में आपने बैटरी, की और रियोस्टेट लगाया और ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग ले रहा है ए से एक वोल्ट मीटर लेके और जे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप हम यहाँ दिखा रहे हैं। मान लीजिए एल लेंथ का वायर है तो वो नीचे भी उसी तरीके से है। तो दोनों सर्किट एक दूसरे के कंपेरेबल हैं। तो आपका यानी कि इक्विवेलेंट है। तो पहला सर्किट पोटेंशियोमीटर का आपका तैयार हो गया। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है? तो मान लीजिए आपने की क्लोज कर दी, के की को आपने क्लोज किया,
तो वायर ए बी में करंट फ्लो करनी शुरू हो जाएगी, और करंट फ्लो करेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और आपको पता है यूजिंग ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू होता है आई आर। आई वो करंट है जो सेल भेज रहा है ए बी वायर में, आर आपके वायर का रेजिस्टेंस है, ए से जी के बीच में हम पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर रहे हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो R रेजिस्टेंस हो गया A से J के बीच के वायर का I, और R को आप लिख सकते हो रो L बाई A, रो है रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द वायर, ये यहाँ पे कॉन्स्टेंटन है या मैंगनीन है, L उसकी लेंथ है A से J के बीच में, A उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब यहाँ पे हम करंट नहीं बदल रहे हैं, रो नहीं बदल रहे हैं, A नहीं बदल रही, तो ये कॉन्स्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट इंटू एल, तो वी आर केज इक्वल टू आई रो अपॉन ए कॉन्स्टेंट, और यहां से अगर हम इसे इक्वेशन से जो अभी बनाए यहां से के की वैल्यू आ गई वी अपॉन एल, तो इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं वायर का, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो इक्वेशन वन वी इक्वल टू के एल, यानी कि वी प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन वन से लिख सकते हैं, तो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट। तो हम एल लेंथ के वायर में अगर वी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है तो वी प्रोपोर्शनल टू एल, तो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये पोटेंशियोमीटर, हमारा डिवाइस तैयार हो गया ए बी वायर और इसके साथ बैटरी की और रियोस्टेट, अब हम इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, हम इसके हेल्प से दो प्राइमरी सेल्स का ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला ये हमारा, तो ये फिगर जो है डायग्राम में दिखाई है, ए कहो या बी कहो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, बस नीचे वाली आपको पता ही है हमने कैसे दिखाया, वह ए बी वायर को एक सिंगल पीस से दिखा दिया हमने, बात ऊपर वाला डायग्राम और नीचे वाला एक ही बता रहा है। अब यहाँ जब हम कंपेयर करें तो फिगर शोज द सर्किट डायग्राम फॉर कंपेयरिंग द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स ऑफ ईएमएफ्स E1 एंड E2, तो दो सेल दिए हमने, देखे आपका पोटेंशियोमीटर तो है ही ए बी वायर और ये आपकी बैटरी E के की और आर है, ये और सर्किट हो गया आपका, लेकिन आपने दो सेल लिए E1 E2 और यहाँ एक की ली है, E1 को हमने कनेक्ट किया है 1 पॉइंट से, E2 को 2 पॉइंट से, और 3 पॉइंट से हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स को गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके उसके साथ एक जोकी कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 बाय 1 दोनों सेल को सर्किट में लेंगे, तो प्रोसीजर क्या रहेगा, पहले एक सेल के साथ रीडिंग लेंगे फिर दूसरे सेल के साथ रीडिंग लेंगे, इसलिए हमने अरेंजमेंट इस तरह का बनाया है। तो हम सबसे पहले करेंगे स्टेप वाइज, अगर हम बात करें क्लोज की के, तो के की को क्लोज करते ही हमारे सर्किट में करंट आनी शुरू हो जाएगी, ए से बी वायर के बीच में करंट फ्लो करेगी, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब हमने क्या किया, हमने ज्वाइन कर दिया, ध्यान से देखा सर्किट को समझ आ जाएगा, ज्वाइन पॉइंट्स 1 एंड 3, पॉइंट्स 1 एंड 3 को हमने ज्वाइन किया, की जो हमने लगाई है 1 एंड 3, यहां देखे सर्किट में 1 पॉइंट को ये 1 है ये 3 है, इनको ज्वाइन कर दिया, तो हमारा पहला सेल सर्किट में आ गया, गैल्वेनोमीटर इसके सीरीज में है, गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस बॉक्स, तो पहला सेल के कॉरस्पॉन्डिंग अब हमें पोटेंशियोमीटर वायर पे रीडिंग मिलेगी। फाइंड, अब हम क्या करेंगे, जब पहला सेल हमारे सर्किट में आ गया वी फाइंड द नो डिफ्लेक्शन कंडीशन ऑन वायर, वायर पे जोकी को चलाते रहेंगे जब नो डिफ्लेक्शन कंडीशन आ गए, तो तब तक जब तक नो डिफ्लेक्शन कंडीशन ना आ जाए, लेट द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इज J1, मान लीजिए J1 पॉइंट पे आपकी नो डिफ्लेक्शन कंडीशन आ जाती है, वेयर ए J1
इज इक्वल टू एल वन देन, तो इसका मतलब एल वन यानी कि ए से आप पहला वायर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होगा, दूसरे वायर में आप जे वन तक पहुंचे, तो आपकी ये जो लेंथ है 200 सेंटीमीटर से कुछ कम हुई ए जे वन, इस लेंथ में जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर में हुआ इसका मतलब उतना ही आपके सेल का ईएमएफ है, यानी कि ई वन प्रोपोर्शनल टू एल वन, और अगर आपके सेल का पोटेंशियल ग्रेडियंट के है तो ई वन इज इक्वल टू के एल वन, पहले सेल का ईएमएफ के एल वन के बराबर होगा, के यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ए बी, यानी कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी तरह से आप सेकंड सेल के साथ आप रीडिंग लेंगे, यानी कि आपने क्लोज की के की तो किया ही है, पहला स्टेप तो किया है, सेकंड स्टेप की जगह इस बार हम थर्ड स्टेप करेंगे, इस बार हम करेंगे जॉइन पॉइंट्स 2 एंड 3। तो अब हम 2 एंड 3 को, 1 और 3 को हटा देंगे यहां से कनेक्शन, तो पहला वायर आपके सर्किट में नहीं है, अब आपने 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया, तो अब सेकंड सेल आपका सर्किट में आ गया, पहला सेल पहले था उसको आपने हटा दिया 1 और 3 को, कनेक्शन को हटा के 2 और 3 कनेक्शन को जोड़ के आपने सेकंड सेल को सर्किट में ले आए गैल्वेनोमीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। तो अब उसी तरह से जैसे पहले सेल के साथ रीडिंग ली थी हमने, उसी तरह से हम फाइंड द नो डिफ्लेक्शन कंडीशन ऑन वायर, इस बार सेकेंड सेल के साथ, लेट द corresponding पॉइंट इज जे टू, वेयर ए जे टू इज इक्वल टू एल टू, देन इसका मतलब सेकेंड सेल का ईएमएफ एल टू, यानी कि ए से पहला वायर 100 सेंटीमीटर, दूसरा वायर में जे टू तक गए आप, तो यहां तक जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो ई टू के प्रोपोर्शनल हुआ, या अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट इंट्रोड्यूस करें यहां पे कांस्टेंट, तो ई टू इज इक्वल टू के एल टू, इक्वेशन बी हो गई। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू होगा एल वन अपॉन एल टू, तो एल वन अपॉन एल टू आपको पता है इस रेशियो के बराबर दोनों सेल का ईएमएफ का रेशियो होगा, इक्वेशन वन। तो इस तरह से आप दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। और यहां पे एक और चीज पता करने वाली है, ध्यान से सुनना, अगर इनमें से ई वन या ई टू में से कोई एक सेल, मान लीजिए हमें ई वन पता है, स्टैंडर्ड सेल ले लिया हमने एक जिसका ईएमएफ हमें पता है, तो हम दूसरे सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस इक्वेशन वन की हेल्प से। तो दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, और अगर एक सेल हमने स्टैंडर्ड ले लिया तो दूसरे सेल के ईएमएफ को हम यहां पे कैलकुलेट करके फाइंड भी कर सकते हैं, तो यानी कि सेल के ईएमएफ को भी हम पता कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, तो हमने पहला सेल लिया उसके लिए कोरिस्पॉन्डिंग रीडिंग ली वायर पे, पोटेंशियल ड्रॉप ई वन इज इक्वल टू के एल वन हो गया, यानी कि पहले सेल का ईएमएफ के एल वन के बराबर हुआ पोटेंशियल ड्रॉप के, और दूसरे सेल का ईएमएफ के एल टू यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप दूसरे सेल के लिए जो के कोरिस्पॉन्डिंग हुआ के एल टू के बराबर, दोनों को बराबर कर दिया, इक्वेशन बना ली और दोनों का रेशियो ले लिया ई वन अपॉन ई टू का। तो इस तरह से हम दो सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, तो हमने दो सेल का ईएमएफ कंपेयर किया, अब हम क्या करेंगे, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी गेट कर सकते हैं। तो हमारे सर्किट में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, जो हमारा फिगर ए और फिगर बी ये तो इक्विवेलेंट है, आपको पता ही है, बस यहाँ पे 4 मीटर का वायर दिखाया, यहाँ पे हमने सीधा वायर दिखाया, ए बी का है ये भी 4 मीटर का ही, ऊपर वाला ही दिखा रहे हैं, बस सिंपलेस्ट फॉर्म थोड़ी कर दी। और यहाँ पे हम क्या करें, एक सेल तो हमारा सर्किट में है, दूसरा नहीं है, एक ही सेल है, लेकिन उस सेल के सर्किट में अगर हम इस सेल को क्लोज करें, इसका एक सर्किट लें, इसके हम इस सर्किट में इसके सीरीज में एक हम रेजिस्टेंस बुक ले लेंगे, एक की लगा देंगे के डैश, तो ध्यान से देखना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर रहेगा, तो प्रोसीजर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। फर्स्ट, क्लोज की के, तो के की को क्लोज करते ही हमारे सर्किट में करंट आनी शुरू हो जाएगी, ए बी वायर में करंट होने शुरू, फ्लो करने शुरू हो गई, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा ए से बी के बीच में,
पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाएगा जैसे जैसे करंट आगे बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट क्या करते हैं हम, ओपन की K-dash, K-dash की को ओपन रखते हैं। इसका मतलब इस बार जो रीडिंग आएगी वो सेल के लिए आएगी, रेजिस्टेंस बॉक्स इसके सर्किट में नहीं है। तो ई सेल है आपका और उसके कोरस्पॉन्डिंग नाउ फाइंड द नो डिफ्लेक्शन कंडीशन, नो डिफ्लेक्शन कंडीशन यानी कि जोकी को तब तक चलाते रहो वायर पे जब तक गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन ना दिखा दे। कंडीशन ऑन वायर ए बी, लेट इट इज एट पॉइंट जे वन वेयर ए जे वन इज इक्वल टू एल वन। देन हमें पता ही है जो ई एम एफ होगा इस बार सेल का, आपको पता है ई प्रोपोर्शनल टू एल वन, और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके ए बी वायर में के है तो ई इज इक्वल टू के एल वन। इक्वेशन वन आ गई। सेकेंड पॉइंट, आपने पहला स्टेप तो है ही क्लोज रखा आपने के की को, के डैश की को क्लोज किया आपने, क्लोज की के डैश, एंड एक हम रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस, हमें की निकालेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स में से यहां से, और वो रेजिस्टेंस हमें पता होगा आर, एंड रेजिस्टेंस आर इज अप्लाइड इन द सर्किट ऑफ सेल। और अब सब सर्किट में सेल के आपने अगर करंट रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया, की क्लोज कर दी, तो यहां से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इस सर्किट में। तो जब करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो हमें पता है कि इस बार ई वी इक्वल टू होता है ई माइनस आई आर, तो ई एम एफ एफ सेल का करंट आना शुरू हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस कोई ना कोई सेल का होगा, तो अब सेल में से करंट जा रही है। पहले जब हमने रीडिंग ली थी उसमें से करंट नहीं जाती सेल में से, उसका ई एम एफ कंपेयर किया था, अब इसमें से अगर करंट जा रही है तो इसका मतलब अब हम पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे सेल्स के टर्मिनल के बीच का। तो वी फाइंड नो डिफ्लेक्शन कंडीशन, नो डिफ्लेक्शन कंडीशन ऑन वायर ए बी, लेट इट इज एट पॉइंट जे टू पे, मान लीजिए वो आपको मिल गई, एंड वेयर ए जे टू, मान लीजिए ए जे टू बराबर है एल टू, देन इस बार आपके सेल में से करंट ड्रॉ हो रहा है, तो इस बार ई एम एफ मेजर नहीं करोगे, उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, वी प्रोपोर्शनल टू एल टू या वी इक्वल टू के एल टू। इक्वेशन बी, तो आपकी इक्वेशन ए और बी हो गई। वी नो दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, द इंटरनल resistance of a cell is given by R is equal to, हमने पढ़ा है E upon V minus 1 into R के बराबर होगा। तो E आपने measure कर लिया equation A से, V इक्वेशन बी से, और आर जो रेजिस्टेंस आपने यहां इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला है, तो वो रेजिस्टेंस आपको पता है जितना भी आपने निकाला है आर, तो इसमें आप रखोगे और आपको पता है ई अपॉन वी की वैल्यू इक्वेशन ए और बी से एल वन अपॉन एल टू के बराबर है, तो एल वन अपॉन एल टू माइनस वन इंटू आर कैपिटल आर। तो आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो आपको L1 कैलकुलेट करना है यानी कि जब सेल सर्किट में है, EMF सेल का है, तब उसके कोरस्पॉन्डिंग लेंथ लेंगे, और जब हम सेल में से करंट ले रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल का मेजर करेंगे, वो L2 के प्रोपोर्शनल होगा, और हम इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मेजर कर सकते हैं। तो नोइंग द वैल्यू ऑफ L1, L2 एंड R, वी कैन कैलकुलेट स्मॉल आर। सिंपल है, इजी है, और ये आपका पोटेंशियोमीटर के दोनों एप्लीकेशन हो गए। ओके,
ओके द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। तो पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वोल्टमीटर भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पहला, इट एक्ट्स लाइक एन आइडियल वोल्टमीटर। जबकि जब हम रीडिंग लेते हैं पोटेंशियोमीटर से तो नो डिफ्लेक्शन में लेते हैं, यानी कि उस टाइम पे आपके सेल में से कोई करंट पास नहीं हो रहा होता है, तो इसका मतलब ये एक तरह से आपका आइडियल हो गया, उस टाइम इसने करंट ड्रॉ नहीं किया आपके सेल से जिस टाइम उसके ईएमएफ को मेजर किया। और वोल्टमीटर है, ऑर्डिनरी वोल्टमीटर है, ऑर्डिनरी डिवाइस है। सेकेंड पॉइंट, इट वर्क्स नो डिफ्लेक्शन मेथड। पोटेंशियोमीटर नो डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करते हैं, इट वर्क्स ऑन डिफ्लेक्शन मेथड वोल्टमीटर। इट इज यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और पोटेंशियोमीटर में इट इज वेरी एक्यूरेट, वोल्टमीटर इट इज एन अप्रोक्सीमेट रीडिंग देने वाला इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि अप्रोक्सीमेट इंस्ट्रूमेंट। और पोटेंशियोमीटर आपका वेरी सेंसिटिव है, थोड़ी भी अगर आपने बैलेंस पॉइंट को इधर उधर किया तो आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, इसका मतलब सेंसिटिव है, जरा से भी चेंज को ये मेजर कर लेगा। और जो वोल्टमीटर होता है ये हाई रेजिस्टेंस का डिवाइड होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है तो इसकी सेंसिटिविटी लो होती है। और बस एक लास्ट वाला पॉइंट जो है ना, वो पोटेंशियोमीटर का डिसएडवांटेज आप कह सकते हो, इट इज ऑफ लार्ज साइज, जबकि वोल्टमीटर स्मॉल साइज का होता है। तो ये डिफरेंस जरूर पढ़ना आप। तो पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर, वन लाइन में आप बात करें। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बोर्ड है। ओके, द क्वेश्चन इज, इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द ईएमएफ ऑफ ए सेल, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट इज 350 सेंटीमीटर। यानी कि जब सेल को आप सर्किट में लोगे, ये की ओपन रखोगे के डैश, तो आपका 350 सेंटीमीटर बैलेंस पॉइंट आ गया, यानी कि L1 350 सेंटीमीटर। फिर इसमें, व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 300 सेंटीमीटर। तो जब आप यहाँ पे रेजिस्टेंस इसमें इंक्लूड कर दोगे एक्सटर्नल सर्किट में सेल के, यहाँ पे आर रेजिस्टेंस बॉक्स में से आर रेजिस्टेंस कर दोगे, के को क्लोज कर दोगे के डैश को, तो आपका बैलेंस पॉइंट 300 सेंटीमीटर पे आ गया। डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो L1 दिया है क्वेश्चन में, फिर R दिया है 9 ओम, और L2 दिया है, और R निकलवा है, और R का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। और सिंपल सारी वैल्यूज आपके पास हैं, 350 अपॉन 300 माइनस 1, 9 ओम रेजिस्टेंस, और ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आप करके देखना, 50 अपॉन 300 इंटू 9 ओम, यानी कि आपका 3/2 ओम। तो आपके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 3/2 ओम। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, अगर आप ध्यान से करोगे तो बड़े इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज, पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, यानी कि ए बी वायर का रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम। इट इज कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, ये आपकी ऑक्सिलरी सर्किट जो लेते हो, 6 वोल्ट बैटरी इज इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, इसके साथ एक 5 ओम का रेजिस्टेंस भी है। डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ ए प्राइमरी सेल विच गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर, जो ए बी वायर की 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट देता है, इस सेल का ईएमएफ निकालना है। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, वीडियो को पॉज करके पढ़ो, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझ लो। गिवन क्या है, आपके सेल का ऑक्सिलरी सेल का ईएमएफ है 6 वोल्ट, ए बी वायर का रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस आपने इसके सीरीज में लगाया, और बैलेंस पॉइंट आपका 40 सेंटीमीटर पर है, ये आपको निकालना है, ये सेल का ईएमएफ जो गिवन है। अब आप ये यहाँ पे सर्किट में जो लगा हुआ है, अब आप इसका एग्जीक्यूशन करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं करंट कितना होगा हमारा ए बी वायर में, करंट इन ए बी वायर, क्योंकि हमें पता है कि जो सेल है इसका ये में बराबर होगा जो ए से जे पॉइंट तक पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर। तो हमें पहले सेल में करंट चाहिए कितनी है, तो ए बी वायर में करंट देखिए, तो यहाँ आई इज इक्वल टू ई डैश, आपने सेल लगाया सर्किट में, रेजिस्टेंस है ए बी वायर का, प्लस आपने एक रेजिस्टेंस और लगाया 5 ओम का, तो 6 वोल्ट ए बी वायर का 10 है और 5 आपने लगाया, तो 6/15, तो आपकी सर्किट में करंट हो गई 6/15 एम्पियर, या अगर आप इसे कह सकते हो 2/5 एम्पियर की करंट। अब आप ये देख सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप ए बी वायर में टोटल कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अक्रॉस ए बी,
क्योंकि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, तो हमें इसकी लेंथ तो पता है, इसके अंदर से टोटल वोल्टेज ड्रॉप निकालना पड़ेगा आपको। तो दैट इज, मान लीजिए उसको मैं वी ए बी कह रहा हूँ, तो दैट इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर। करंट आपने देखा ए बी वायर में 2.5 एम्पियर की है, ए बी वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट ए बी वायर के थ्रू ड्रॉप हुआ टोटल पूरे वायर के, लेकिन हमारा जो सेल का ईएमएफ है वो तो ए से जे तक जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसके बराबर है। तो हमारे सेल का ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल, ये बराबर होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर ए बी इनटू बैलेंस लेंथ। और पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वायर ए बी में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ टोटल, डिवाइड बाई वायर ए बी की लेंथ इनटू बैलेंस लेंथ। और 4 वोल्ट वी ए बी है, पूरी लेंथ आपके वायर की आपने लिया 1 मीटर, और बैलेंस पॉइंट आया आपका 40 सेंटीमीटर, यानी कि 0.40 मीटर, यहाँ पे 40 मीटर हो जाएगा, 0.40 मीटर। तो आप इसको सॉल्व करिए, 1.6 वोल्ट। तो आपके सेल का ईएमएफ हुआ 1.6 वोल्ट आंसर आ गया। तो ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में आए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, आप समझ के करना। ओके, द क्वेश्चन इज, इन द फिगर ए लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर ए बी इज हैविंग ए कॉन्स्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग इट्स लेंथ। द नल पॉइंट फॉर द टू प्राइमरी सेल्स ऑफ ईएमएफ ई1 एंड ई2 connected in the manner shown are obtained at a distance of 120 cm and 300 cm from the end A. Find the, पहला क्वेश्चन है E1 upon E2 आपको पता करना है, second the position of null point for cell E1 पता करनी है, और how is the sensitivity of a potentiometer increase। तो जो last में लाइन ऐड की है, how is the sensitivity of a potentiometer increase, इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एड हुए मिलते हैं फ्रेज, ये छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान से सारी चीजों को समझ के करना है, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी करने हैं, वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, दो ये अरेंजमेंट दिया है, तो पहले अरेंजमेंट के लिए आप देखिए E1 और E2, जहां L1 रीडिंग मिली है, इसका मतलब एक जो E1 सेल है, ध्यान से देखिए, ये इसका पॉजिटिव पहले है, नेगेटिव बाद में है, दूसरा सेल रिवर्स ऑर्डर में लगा है, तो यहाँ पे जो रीडिंग आई है ये E1 माइनस E2 के कोरिस्पोंडिंग रहेगी EMF दोनों सेल मिलके, क्योंकि एक सेल रिवर्स ऑर्डर में है, तो दोनों का EMF E1 माइनस E2 के बराबर होगा, और आपका जो रीडिंग आई है वो KL1 की, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट है, L1 आपको पता है 120 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो और दूसरा जो आपकी रीडिंग आई है वो दोनों सेल एक ही ऑर्डर में है, ऊपर देखिए आप ध्यान से ये वाली, और आपकी रीडिंग आई है L2, यानी कि ये बराबर होगा KL2 के। तो इक्वेशन ए और बी आप इसको नाम दे सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, E1 माइनस E2 अपॉन E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, दैट इज L1 अपॉन L2। L1 आपका 120 है, L2 आपका 300 सेंटीमीटर है, आप इसको डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे, इट विल गेट 2/5, और इसको सोल्व करने पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, ऑन सॉल्विंग वी गेट, यहाँ ध्यान से देखना, आप इक्वेशन बनाओगे E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 7/3, यू गेट। तो फर्स्ट आंसर आ गया, सेकंड पार्ट क्या पूछा इन्होंने, बैलेंस पॉइंट फॉर सिंगल सेल, तो आपने ये दोनों सेल हटा देंगे, आप सिंगल सेल लगाएंगे इनकी जगह, और उसका बैलेंस पॉइंट मान लीजिए आता है पहला, उसका ईएमएफ अकेला सेल लगाया आपने, और उसकी मान लीजिए बैलेंसिंग लाइन आती है L3, तो E1 इज इक्वल टू हो गया KL3, और आप ऊपर से एक इक्वेशन ले लीजिए, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू है KL1, यानी कि K इंटू 120। तो अगर इन दोनों इक्वेशन से मैं निकालूं तो E1 माइनस E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन L3, और यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो 1 माइनस E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू 120 अपॉन L3, और E2 अपॉन E1 की वैल्यू हमें पता है 3/7 लिख देंगे हम यहाँ पे, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ऑन सॉल्विंग L3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 210 सेंटीमीटर। तो ये आंसर भी आ गया, एक E1 अपॉन E2 आ गया। सेकेंड थर्ड पार्ट इन्होंने नीचे पूछा है,
हाउ इज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इंक्रीज। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज मेजर्ड बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो स्मॉलेस्ट अगर हमें मेजर करना है, इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी मिनिमाइज्ड। तो अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को मिनिमाइज कर दें तो हम इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को मिनिमाइज करना है तो पोटेंशियल टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वी मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज K, जो यहाँ पे हम K से डिनोट कर रहे हैं, एंड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ए बी वायर की लेंथ आप बढ़ा दीजिए, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। तो ये अपने क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम के, तो अगर आप ध्यान से करेंगे, समझ के करेंगे तो बड़े इजी है, बड़े आसान है, इंटरेस्टिंग है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।